जय श्री कृष्ण प्यारे भाई बहनों, स्वागत है आपका लाइफ चेंजिंग थॉट्स में। ज्ञान मुक्त करता है पर ज्ञान का अभिमान नरकों में ले जाता है। स्वार्थ और अभिमान का त्याग किए बिना मनुष्य श्रेष्ठ नहीं बन सकता। जब तक स्वार्थ और अभिमान है तब तक किसी के भी साथ प्रेम नहीं हो सकता। आप अपनी अच्छाई का जितना अभिमान करोगे उतनी ही बुराई पैदा होगी। इसलिए अच्छे बनो पर अच्छाई का अभिमान कभी मत करो। जगत, जीव और परमात्मा ये तीनों एक ही हैं, पर अहंता अर्थात मैं होने के कारण ये तीन दिखते हैं। जैसे रोगी का उद्देश्य निरोग होना है, ऐसे ही मनुष्य का उद्देश्य अपना कल्याण करना है। सांसारिक सिद्धि असिद्धि को महत्व न देने से अर्थात उनमें सम रहने से ही उद्देश्य की सिद्धि होती है। जिसके लिए मनुष्य जन्म मिला है उस परमात्म प्राप्ति का ही उद्देश्य हो जाने पर मनुष्य को सांसारिक सिद्धि असिद्धि बाधा नहीं दे सकती। अपने लिए सुख चाहने से नाशवान सुख मिलता है और दूसरों को सुख पहुंचाने से अविनाशी सुख मिलता है। सुख भोगने के लिए स्वर्ग है तथा दुख भोगने के लिए नरक है, और सुख दुख दोनों से ऊंचे उठकर महान आनंद प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य लोक है। पारमार्थिक उन्नति करने वाले की लौकिक उन्नति स्वतः होती है। विचार करो, हम अपनी जानकारी का खुद ही निरादर करेंगे तो फिर हमारी उन्नति कैसे होगी? वास्तविक उन्नति है स्वभाव का शुद्ध होना। जो आराम चाहता है वह अपनी वास्तविक उन्नति नहीं कर सकता। जो वस्तु परिस्थिति आदि अभी नहीं है उसको प्राप्त करने में अपनी उन्नति सफलता या चतुराई मानना महान भूल है। जो वस्तु अभी नहीं है वह मिलने के बाद भी सदा नहीं रहेगी, यह नियम है। जो सदा से है और सदा रहेगा। मनुष्य प्रत्येक परिस्थिति में अपने कर्तव्य का पालन कर सकता है। कर्तव्य का यथार्थ स्वरूप है सेवा, अर्थात संसार से मिले हुए शरीर आदि पदार्थों को संसार के हित में लगाना। वर्तमान समय में घरों में, समाज में जो अशांति, कलह, संघर्ष देखने में आ रहा है उसमें मूल कारण यही है कि लोग अपने अधिकार की मांग तो करते हैं पर अपने कर्तव्य पालन नहीं करते। जिससे दूसरों का हित होता है वही कर्तव्य होता है, जिससे किसी का भी अहित होता है वह अकर्तव्य होता है। अपने सुख के लिए किए गए कर्म असत और दूसरों के हित के लिए किए गए कर्म सत होते हैं। असत कर्म का परिणाम जन्म मरण की प्राप्ति और सत कर्म का परिणाम परमात्मा की प्राप्ति है। संसार में ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जिसमें मनुष्य का कल्याण न हो सकता हो। कारण यह है कि परमात्मा प्रत्येक परिस्थिति में समान रूप से विद्यमान है। कल्याण की प्राप्ति तो बहुत सुगम है पर जब कल्याण की इच्छा ही न हो तो वह सुगमता भला किस काम की? घर में रहने वाले सभी लोग अपने को सेवक और दूसरों को सेव्य समझें तो सबकी सेवा हो जाएगी और सबका कल्याण भी हो जाएगा। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए और मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना है, ये तीन बातें शीघ्र उद्धार करने वाली हैं। मेरे मन की हो जाए इसी को कामना कहते हैं। यह कामना ही दुख का कारण है। इसका त्याग किए बिना कोई सुखी नहीं हो सकता। जब हमारे अंतःकरण में किसी प्रकार की कामना नहीं रहेगी तब हमें भगवत प्राप्ति की भी इच्छा नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि भगवान स्वतः प्राप्त हो जाएंगे।